तो हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाली है डोरेमोन और शिनचैन सीरीज से कुछ ऐसी चीजें जो कि यार सही में तुम लोगों को हैरान कर देंगे। तो करना, जैसे कि डोरेमोन की सीरीज में आखिर ये मिस्टीरियस रोबोट कौन है, और इसी के साथ ही डोरेमोन की काची कोची मूवी का एक काफी बड़ा सीक्रेट जो कि तुम लोगों को करने वाला है हैरान, और शिनचैन की मूवी विलन और दुल्हन में आखिर शिनचैन एक्शन कामिन की ड्रेस में क्यों था। सो यार चलो करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ सबसे बड़ी मिस्ट्री डोरेमोन की मूवी काची कोची की। तो यार ये मूवी जापान में रिलीज हुई थी 2017 में, और इससे पहले कि मैं तुम लोगों को आगे की कुछ भी मिस्ट्री बताऊं, तुम लोगों को इस मूवी का थोड़ा सा प्लॉट या फिर स्टोरी बताने वाला हूँ। सो यार इस मूवी की स्टार्टिंग में डोरेमोन और नोबिता को काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं, यानी कि जाते हैं अंटार्कटिका में, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद मिलती है नोबिता को एक रिंग। डोरेमोन और नोबिता और उनके दोस्त उस रिंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका जैसी इतनी ठंडी जगह में आखिर कोई इंसान कब और कैसे आया होगा जिसकी ये रिंग होगी। इस चीज का पता लगाने के लिए डोरेमोन उस रिंग को अपने गैजेट से चेक करता है, तो डोरेमोन को पता लगता है कि जो वो रिंग है वो है 1,00,000 साल पुरानी। सो यार उस रिंग को वापस करने के लिए डोरेमोन और नोबिता और उनके दोस्त 1,00,000 साल पीछे जाते हैं। 1,00,000 साल पीछे जाने के बाद डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्तों को वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, और उन्हीं लोगों में से वहाँ एक लड़की होती है, और वो होती है कार्ला। और कार्ला जो होती है डोरेमोन और नोबिता और उनके दोस्तों को ये बात रिवील करती है कि कार्ला और उसके साथ अंटार्कटिका में रहने वाले जो लोग हैं वो धरती के नहीं है, और वो किसी और प्लैनेट से आए हैं। उनके प्लैनेट के साथ काफी खतरनाक चीज हो गई थी, जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़ के अर्थ पे अंटार्कटिका पे रहने के लिए आना पड़ा। अब उनके लोगों के साथ कुछ जानवर भी आए थे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो। अब यार तुम लोग एक बात याद करो कि कुछ टाइम पहले यार डिज्नी पे एक मूवी आई थी डोरेमोन की, जिसका नाम था डोरेमोन कोया कोया प्लैनेट। यार मेरे ख्याल से तुम में से ज्यादातर लोगों ने कोया कोया प्लैनेट मूवी हिंदी में देखी होगी। अब गाइस कोया कोया मूवी से एक फोटो देखो। अब यार जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि यार इस इमेज में भी वही हाथी हैं, या कहे हाथी टाइप के क्रिएचर हैं, जो कि यार आप लोगों को काची कोची में देखने को मिले थे। तो यार ये सही में काफी अजीब बात है गाइस। इससे हमें ये पता चलता है कि यार काची कोची मूवी और कोया कोया मूवी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, और शायद ऐसा हो सकता है कि काची कोची मूवी के जो कार्ला है और कोया कोया प्लैनेट के लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो यार ये सही में काफी बड़ी मिस्ट्री है, और अगर आप लोग भी मुझे कोई मिस्ट्री बताना चाहते हो ऐसी ही, तो यार प्लीज कमेंट करके बता देना, और चाहो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके बता सकते हो। और यार वीडियो अभी ही छोड़ के मत चले जाना, अभी आगे बहुत बड़ी वीडियो है, और बहुत सारे शिनचैन और डोरेमोन की मिस्ट्री आगे मैं बताने वाला हूँ। तुम लोग यार वीडियो को आजकल बीच में ही छोड़ रहे हो, तो यार ऐसा मत करा करो यार, बुरा लगता है। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर तुम लोगों को ये पहली बार पता चला हो। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो मतलब यार हमारी वीडियो देखने वालों में से सिर्फ 24% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा यार। वाह क्या सीन है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार। सो यार प्लीज मेरी बात मान लो, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लो सब्सक्राइब। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं शिनचैन के बारे में। सो यार तुम में से बहुत सारे लोग 100% बिलीव करते होंगे कि शिनचैन की फ्यूचर में शादी होने वाली है तामिको से, पर गाइस शिनचैन की मूवी विलन और दुल्हन में तुम लोगों को एक बहुत बड़ी चीज एंड में देखने को मिली थी, जो कि यार तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं करी। अब यार हुआ कुछ ऐसा था, सबसे पहले यार हमें मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि यार धरती पे फ्यूचर में मीटोराइट गिरने वाले हैं, जिसके बाद धरती पूरी अंधेरे में चली जाती है, और अंधेरा होने के बाद कासुका भी शहर में एक अजीब सा आदमी जो होता है वो राज करने लग जाता है, और उसी की बेटी होती है तामिको, और तामिको और शिनचैन की शादी होने वाली होती है। अब यार तुम लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, पहले मीटोराइट गिरता है फिर बाकी सारी चीजें होती हैं। पर यार मूवी के एंड में एक बहुत बड़ी चीज थी। मूवी के एंड में यार जब शिनचैन और उसके दोस्त फ्यूचर से वापस आ जाते हैं, तो यार शिनचैन अपने घर भाग जाता है, और घर पे जाने के बाद देखता है एक न्यूज, जहाँ पर न्यूज एंकर बता रहा होता है कि धरती पे मीटोराइट गिरने वाले हैं। अब यार ये चीज देखने के बाद हम ऑडियंस को यही लगता है कि यार बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था कि धरती पे मीटोराइट गिरेंगे फिर धरती पे अंधेरा हो जाएगा। फिर गाइस न्यूज एंकर थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी चीज बोलता है, वो बोलता है कि हमारे साइंटिस्ट ने दोबारा से कैलकुलेट करा, और उनको ये पता चला कि जो मीटोराइट है वो धरती पे नहीं गिरेंगे और धरती के साइड से निकल जाएंगे। और वैसा ही होता है, और धरती पे मीटोराइट नहीं गिरते और मीटोराइट साइड से निकल जाते हैं।
अब यार इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुका है। धरती पे मीटोराइड नहीं गिरे और ना ही धरती पे अंधेरा होगा। अब यार इसका मतलब ये है कि यार ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो हमारा करंट वाला सिंचन है उसकी भी शादी तामिको से ही होने वाली है। और यार इसके साथ अब ये भी जरूरी नहीं कि यार मसाओ फ्यूचर में जाके काफी गरीब होने वाला है और नैनी भी फुटाबा किंडरगार्टन की टीचर बनेगी। फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो गया है यार, अब इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो। अब यार शायद सिंचन की फ्यूचर में शादी नैनाको से भी हो सकती है। शायद यार ऐसा तो नहीं होगा, पर यार कमेंट करके बताना कि तुम लोग क्या चाहते हो कि सिंचन की फ्यूचर वाइफ कौन बने। सो यार आज की वीडियो का लाइक है 10 के लाइक्स का, क्योंकि आज की वीडियो की स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यार मेरा और एनिमेशन एरा का बर्थडे है और वीडियो में तुम लोगों को और भी मिस्ट्री दिखने वाली है। और तुम लोग मिस्ट्री नूडल ईटर को तो जानते ही होगे। अब यार उसी की तरह एक और भी करेक्टर है जिसका नाम है गोनसुकी, जो कि यार डोरेमोन की सीरीज में बहुत बार दिख चुका है। तो यार जो सही में पुरानी डोरेमोन सीरीज देखते आ रहे ना, उन्होंने तो इसको यार बहुत बार देखा होगा। तो यार ये कभी टूर गाइड बन के आता है और कभी अपना गैजेट बेचने आता है। और गाइस अगर तुमने सीक्रेट गैजेट म्यूजियम वाली मूवी देखी है ना, तो यार ये उसमें भी दिख रखा है। मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोगों ने उसको कितनी बार देखा है। अब यार सिंचन की कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यार शीरो का रियल ओनर कौन है। तो हाँ यार शीरो जो है वो ओरिजिनली सिंचन का कुत्ता नहीं था, वो एक छोड़ा हुआ कुत्ता था जिसको सिंचन अपने घर ले आया था। अब यार उसका रियल ओनर कौन है और उसको क्यों छोड़ा उसने, तो गाइस ये चीज अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अब उसके बाद यार तुम बुरी बुरी जायमोन को तो जानते ही होगे। सिंचन के अंदर कौन सी सीरीज के अंदर ये काम करता था, जैसे कि यार एक्शन कामिन की अलग सीरीज है, शायद इसकी भी ऐसी सीरीज हो। तो यार जो बुरी बुरी जायमोन है वो कहीं और से नहीं, बल्कि सिंचन ने खुद उसको सोचा है और खुद ही उसको नाम दिया है और खुद ही उसको क्रिएट करा है। अब यार हम सभी लोग जानते हैं सिंचन के स्कूल के प्रिंसिपल को, तो यार क्या तुम लोग उनका नाम जानते हो? नहीं। सो यार उनका नेम है बुंता ताकाकुरा। तो यार उसके बाद एक काफी बड़ी चीज जो कि यार मैंने सोची थी सिंचन की मूवी विलन और दुल्हन दिखते टाइम, तो यार जो सिंचन था वो आखिर उसने एक्शन कामन के कपड़े क्यों पहन रखे थे इस मूवी में? हमको सिखा रही है। सबसे पहले यार मैं तुम लोगों को एक्शन कामिन के बारे में बता देता हूँ। तो यार जो एक्शन कामिन है वो किसी और दुनिया का रियल हीरो है, पर अर्थ पे आके वो एक एक्टर का रोल करता है जिसका नाम है गोतारो। और गाइस पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि सिंचन की मूवी विलन और दुल्हन में एक्शन कामिन ने सिंचन की कुछ ना कुछ मदद तो जरूर ही करी होगी। शायद एक्शन कामिन ने ही सिंचन को टाइम मशीन दी हो, या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन कामिन ने सिंचन को एक्शन स्टोन दिया हो जिसे यूज करने के लिए सिंचन ने एक्शन कामिन वाले कपड़े पहने। यार तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बता देना। सो गाइस यहाँ पर होती है हमारी वीडियो एंड, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से ही बता देना। और अगर तुम लोग भी मुझे कोई मिस्ट्री बताना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे बता दो या फिर कमेंट करके बता दो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।